हे गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। थर्ड काउंसलिंग के दोस्तों डेट घोषित कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि इस तिथि तक आप लोगों के थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाए। दोस्तों, पदों की संख्या क्या है, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। इस गुणांक वालों को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है थर्ड काउंसलिंग में और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, 22,000 सीटों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि 21 जून से अनवरत धरना प्रदर्शन, जितने भी अभ्यर्थी हैं 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए अनवरत SCERT पर धरना देने के लिए दोस्तों तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संशोधन वाले भाइयों के लिए, तो एक महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि थर्ड काउंसलिंग में जो बात चल रही है अभी तक SCERT से निकल के सामने आई है कि इनको भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी विचार विमर्श के बाद चाहे शिक्षा मंत्री जी हों चाहे फिर मुख्यमंत्री जी हों, सबके पास ज्ञापन सौंपा गया तो उसका दोस्तों प्रभाव मिलता हुआ दिख रहा। लगभग 22 ऐसे जनपद हैं दोस्तों जहाँ पर जो संशोधन वाले भाइयों बहनों को नियुक्ति पत्र मिल गई है, लेकिन लगभग दोस्तों ऐसे तमाम जनपद हैं जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं कि इन जनपदों में नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है जो संशोधन वाले भाई बहन हैं। तो इनके दोस्तों जो समस्या है इनको समाधान करने का कोशिश किया गया है थर्ड काउंसलिंग में, ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों साफ साफ चेताया है शिक्षा अधिकारियों को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, कि आप लोग जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करें। लेकिन दोस्तों उन्होंने डेडलाइन दिया है, डेडलाइन कब तक का दिया है आप लोगों को दोस्तों बता दिया जाएगा। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सवाल बने हुए हैं, इतने संघर्ष और लड़ाई के बाद भी सरकार उनका दर्द नहीं समझ रही है। किसी तरह से कोर्ट के दबाव में नियुक्ति की गाड़ी आगे तो बढ़ी, लेकिन अभी भी तीसरी लिस्ट, आरक्षण और संशोधन पीड़ितों के बड़े सवाल हैं। ऐसे में हम सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हम सरकार से पूछते हैं कि आखिर शासन प्रशासन से अगली सूची जारी होने के बाद भी क्यों नहीं जारी हो रही है चयन लिस्ट। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के 23 मार्च को एक माह में भर्ती पूरे करने के आदेश पर भी 2.5 महीने में क्यों नहीं मिल पाए रिक्त पदों की सही संख्या। मंत्री जी के द्वारा आधिकारिक शिथिलता पर 7 जून की फटकार के बाद कब आएगी अगली चयन सूची। बार बार मिलते रहे झूठे आश्वासन, आखिर कब जारी होगी अगली चयन सूची। किस पेज में 6 माह से अटका है विभाग। बड़ा सवाल, क्या 1 जुलाई को विद्यालय में होंगे अगली सूची प्रतिक्षारत अभ्यर्थी। योगी सरकार आखिर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 29 अप्रैल को यूपी सरकार को आरक्षण घोटाले से संबंधित भेजी गई रिपोर्ट पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। आखिर इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज तक क्यों नहीं बनाई। जो जिला आवंटन सूची जारी की उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक को क्यों छुपाया गया। इस भर्ती की मूल चयन सूची प्रदेश स्तर से क्यों नहीं बनाई गई। क्या भर्ती में जमकर आरक्षण घोटाला हुआ इसलिए इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई और जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती को कर लिया गया। जिला आवंटन सूची जिला स्तर पर काउंसलिंग के दौरान बनाई जाती है, यह कार्य सरकार ने प्रदेश स्तर पर क्यों किया जो कि नहीं करना चाहिए था। हर भर्ती की मूल चयन सूची बनाई जाती है जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी तथा गुणांक को दिखाया जाता है, तो इस 69,000 की भर्ती में यह सब क्यों छुपाया गया। क्या सब कुछ अधिकारियों पर प्रेशर डालकर करवाया गया है।
अधिकारियों ने यहाँ पर जानबूझकर आरक्षण का घोटाला किया है। आरक्षण घोटाले का यह मुद्दा लखनऊ हाई कोर्ट में भी एक साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन सरकार वहाँ पर भी जज साहब की बार बार मांगने पर भी मूल चयन सूची क्यों नहीं दे रही है। बहाना बनाकर कोर्ट से लंबी लंबी तारीख लेकर भाग रही है, जिस कारण अभ्यर्थी मानसिक रूप से बहुत परेशान है। संशोधन पीड़ितों के वास्तविक अंक से चयन करने पर किसी प्रकार से चयन सूची में परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना तो ये किसी का चयन प्रभावित कर रहे हैं, फिर इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में गलती से शिक्षा मित्र का कॉलम भर दिया गया था और वह शिक्षा मित्र नहीं थे। ऐसे लोगों की गलती को क्षम्य करते हुए उन्हें गलती से प्राप्त 25 अंक के भारांक को कम करके नियुक्ति प्रदान करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया, जबकि संशोधन पीड़ित मूल अभिलेख के अंकों से बन रहे गुणांक के आधार पर चयन सूची को प्रभावित भी नहीं कर रहे, फिर भी अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 95% संशोधन मान्य कर लिए गए, केवल शेष 5% बचे हैं जिनका प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम है, क्यों अमान्य घोषित हो रहे हैं। जिस आवेदन फॉर्म में त्रुटि हुई थी वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का पात्रता परीक्षा का आवेदन फॉर्म था और उसमें आवेदन करते समय एक भी बार संशोधन का अवसर नहीं दिया गया। आवेदन फॉर्म में यह साफ साफ लिखा भी था कि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के आवेदन फॉर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन फॉर्म में मात्र जिला वरीयता, क्रम, निवास, राष्ट्रीयता, शिक्षा मित्र के पद पर रहने की समय अवधि भरने का ही अवसर मिला। घोषणा पत्र भरना मजबूरी थी क्योंकि बिना उसको भरे पूरे फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाते, तो ऐसे में अवसर अब क्यों नहीं दिया जा रहा है। संशोधन पीड़ितों से कम गुणांक के अभ्यर्थियों के जिला शासन द्वारा तृतीय चयन सूची जारी की जाने वाली है, क्या ये संशोधन पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं। 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक द्वारा विसंगति के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी हुआ था, जिसमें बिंदु संख्या एक के आधार पर प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम जैसी विसंगति वाले अभ्यर्थियों में से लगभग 22 जनपदों में नियुक्ति पत्र और विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। बाकी जिलों में क्यों नहीं किया गया, बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, आखिर 5% संशोधन पीड़ितों को तीसरी काउंसिल में मौका क्यों नहीं। जिस प्रकार से कम अंक भरने वालों से शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई, उसी प्रकार संशोधन पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं। काउंसलिंग के समय अपनी गलती को बताते हुए शपथ पत्र भी देने के बाद फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों। हम सरकारों से इन सवालों पर जवाब चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनका जवाब तलाश कर जल्द से जल्द नियुक्तियां पूरी करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं मुख्यमंत्री जी ने क्या डेडलाइन दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि जून माह के अंत तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए थर्ड काउंसलिंग की। और दोस्तों जो सूचना प्राप्त हो गई है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 डिग्री चैनल को कि आप लोगों की जो थर्ड काउंसलिंग है 20 जून से लेकर 25 जून के मध्य में दोस्तों थर्ड काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है और पदों की संख्या आपके दोस्तों 7,000 प्लस हो गई है, जो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सात हजार पदों के अनुसार दोस्तों अगर आप लोगों का गुणांक इस अनुरूप बन रहा है तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। दोस्तों जनरल का जो कट ऑफ है वो 66.1 से लेकर 66.3 के मध्य रहेगा और ओबीसी की कट ऑफ है जो 65.8 से लेकर 66.1 के मध्य रहेगा। एससी की बात करते हैं दोस्तों तो एससी की कट ऑफ 58.5 से लेकर 58.7 के बीच रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्या विकलांग भाइयों का कट ऑफ कितना रहेगा, तो दोस्तों विकलांग भाइयों का जितने भी अभ्यर्थी बचे हैं विकलांग भाई में तो लगभग दोस्तों सबका हो जाएगा। इनकी सीटों की संख्या लगभग दोस्तों देखा जाए तो लगभग 800 से 900 के बीच में सूचना प्राप्त हो रही है और इतने ही कैंडिडेट अभी तक बचे हुए हैं, तो इनका दोस्तों लगभग सबका हो जाएगा।
तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे कोई छोटी से छोटी जानकारी निकल के सामने आएगी शिक्षक भर्ती से जुड़ी, तो सबसे पहले अपडेट आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर हिस्ट्री चैनल के माध्यम से दोस्तों बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। अब देखते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री जी का कहा सही होता है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी कहा था, जब सितंबर में बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा था, कि 6 महीने के अंदर जितने भी खाली पद हैं सभी को भर लिया जाएगा। लेकिन आज तक दोस्तों नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हुआ। यहाँ तमाम हमारे ऐसे व्यूवर हैं, तमाम हमारे भाई बहन हैं जो नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं दोस्तों। तब हमसे हम साफ साफ कहना चाहते हैं दोस्तों, जब तक आप लोग धरातल पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप लोग फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक आप लोग लखनऊ या CRT पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे दोस्तों, वो भी दोस्तों चुटपुट तरीके से नहीं, लगभग आपकी संख्या दोस्तों 10 से 15 हज़ार होनी चाहिए। जितना दोस्तों आप लोग की भीड़ रहेगी उतना ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। ये बात दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आज तक बेसिक शिक्षा विभाग में बिना धरना प्रदर्शन दिए आप लोगों के सामने दोस्तों वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कीजिए। आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर हिस्ट्री चैनल के माध्यम से जो भी सहयोग होगा दोस्तों वो किया जाएगा और समय समय पर आप सभी को अपडेट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से।